हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ। और ये चैप्टर्स का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इन अ मैथमेटिक्स सॉरी इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। देखिए कि कोई एक क्लास टेस्ट होता है, तो शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश दोनों मिल के कितना मार्क्स आ रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है। फिर एक दूसरा कंडीशन दिया हैड सी गॉट 2 मार्क्स, मतलब बोला कि मैथमेटिक्स में जितना मार्क्स मिल रहा है उससे 2 मार्क्स और ज़्यादा मिल रहा है, और इंग्लिश में जितना मार्क्स मिला है उससे 3 मार्क्स और कम कर देते हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन, मैथ्स का और इंग्लिश का जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन करके, वो कितना आ रहा है, 210। तो हमको बोल रहा है कि फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश में कितना मार्क्स मिल रहा है। तो क्वेश्चंस में दो कंडीशंस है, एक है सम है और एक है प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट द शेफाली, लेट द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी कितना एक्स। सपोज मान लेते हैं कि मैथ में शेफाली को एक्स मार्क्स मिल रहा है, तो इंग्लिश में की तो देयर फोर शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश में कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। क्यों 30 माइनस एक्स हुआ, क्योंकि देखिए क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश मिला के हमको कितना आया है, 30 आया है। तो मैथ्स का हम एक्स मानते हैं प्लस ई इक्वल टू 30, तो इंग्लिश में क्या हो गया मेरा 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना है इसको, 30 माइनस एक्स, ये हो गया कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि शेफाली को अभी मैथ्स में, शेफाली को मैथ्स में अभी जितना मार्क्स मिल रहा है उससे 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, सपोज 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, और इंग्लिश में कितना आ रहा है, इंग्लिश में पहले जितना मार्क्स मिला था मतलब 30 माइनस एक्स मिला था उसमें 3 मार्क्स कम आ रहा है, तो -3 कर देते हैं। तो इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स प्लस टू इंटू, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, 30 माइनस एक्स -3, इसका दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है मेरा, 200, 210 बोल रहा है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि इसको मैथ्स और साइंस में कितना मार्क्स आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे एक्स प्लस टू हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कितना हो गया, 27x - x² +54 - 2x इज इक्वल टू 210 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं, -x² +25x -156 इज इक्वल टू 0। ये कैसे है, इधर सब एक साइड पे लेके आ गए। ठीक है, तो क्या कॉमन लेते हैं, x² -25x, ठीक है, +156 इज इक्वल टू 0। क्या साइन कॉमन, माइनस नेगेटिव साइंस कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, x² - 12x - 13x + 156 इज इक्वल टू 0। क्यों, अरे 12 को 12 × 13 करेंगे तो 156 आ रहा है, और -12 और -13 को ऐड करेंगे तो 25 हो रहा है। इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, तो x कॉमन लेते हैं, x - 12 आया यहाँ पे, या माइनस क्या 13 कॉमन लिए तो x - 12 आया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो x - 12 और x - 13 आ गया, इज इक्वल कितना हो गया, 0। तो मेरे x का वैल्यू कितना हो गया, 12 और 13 आया गया। ठीक है, तो x का वैल्यू मतलब मैथमेटिक्स में या तो वो
12 मार्क्स आया होगा या 13 मार्क्स आएगा। तो जब हम एक्स का वैल्यू 12 लेते हैं तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, इंग्लिश में कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, एक आंसर कितना हो गया 12 18, या एक्स का वैल्यू जब 13 लेते हैं तो मेरा इंग्लिश में कितना आएगा 30 माइनस 13 तो कितना आ गया 17, तो कितना आ गया 30 17। ना मेरा दो कंडीशन हो सकता है, जब मैथ्स में 12 आएगा तो इंग्लिश में 18 आएगा, जब मैथ्स में 13 आएगा तो इंग्लिश में 17 आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।